अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज सुबह सुबह ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे अंदर क्लीनिंग प्रोमैक्स का जरासीम फुली एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं अपने घर की आज करूँगी डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आज अपनी जॉब पे वापस जा चुके हैं। आज वो ऑफिस से काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो मैंने सोचा आज घर को डीप क्लीन किया जाए। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी लॉन्ड्री और आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर लॉन्ड्री कैसे की जाती है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर वेदर के अकॉर्डिंग लॉन्ड्री की जाती है, क्योंकि वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। सबसे पहले तो हम अपनी वेदर ऐप्स चेक करते हैं कि यहाँ पे धूप कैसी है, हवा कैसी है, हवा में नमी है या नहीं, और उसके बाद हम अपनी लॉन्ड्री करते हैं। तो आज मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली। सुबह सुबह का फायदा उठाते हुए सबसे पहले अपनी लॉन्ड्री कर ली है और अब मैं अपनी लॉन्ड्री को फैला दूंगी ताकि धूप के टाइम में लॉन्ड्री सूख जाए। यहाँ पे मैंने अपनी लॉन्ड्री कर ली है और सारे कपड़े फैला दिए हैं। बच्चों की तकरीबन 2-1 दर्जन सॉक्स फैलाने के बाद मैं थक चुकी थी और उसके बाद मैं जा रही थी अपनी काम वाली को चेक करने के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि आपकी काम वाली का क्या नाम है और आपने इसको कहाँ से परचेज़ किया था। ये रोबोट वैक्यूम मैंने परचेज़ किया था गॉडफ्रेज से और ये इकोवैक्स कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है T9+ और इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं हर महीने इसका नाम चेंज करती रहती हूँ, कभी रामू काका, कभी धन्नो, कभी शांताबाई, कभी कांताबाई, ताकि मुझे फ़ील हो कि काम वाली मौजूद है घर में और हर महीने मेरी एक डिफरेंट काम वाली आ रही है। इसके बाद मैं आ गई थी चिकन बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज चिकन बिरयानी बनाई जाए, तो मैं आज बना रही हूँ चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने अपने अनियंस को छील लिया था और उसके बाद रोने का फ़ैसला करते हुए इसको डाल दिया था फूड प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में और बहुत सारी टेंशन्स हैं जिसके ऊपर रोया जा सकता है, तो प्यास की इतनी क्या टेंशन लेनी। इसीलिए मैं इसको फूड प्रोसेसर में ही चॉप कर लेती हूँ। जब भी मुझे कोई खाना ऐसा बनाना होता है जिसमें अनियंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं अपने फूड प्रोसेसर में इसको चॉप कर लेती हूँ। और जब पता हो कि बहुत सारे काम बगैर रोए भी हो सकते हैं तो उनको उसी तरीके से कर लेना चाहिए, और मैं तो टेक्नोलॉजी का फुल फ़ायदा उठाती हूँ। उसके बाद मैंने अपने पैन में ले लिया है ऑयल और सबसे पहले मैंने अपने किचन में ऑन कर ली है अपनी कैंडल, जो कि मेरी एक डेफिनेट रूटीन है कि मैं सबसे पहले खाना बनाने से पहले अपनी कैंडल्स को ऑन करती हूँ। चाहे वो सेंटेड हो या अनसेंटेड हो, मैं कैंडल ज़रूर ऑन करती हूँ ताकि खाने की खुशबू कैंडल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। इसके अंदर ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए हैं अनियंस। कि बिरयानी बनाने की सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आप उसका मसाला बहुत अच्छा बनाएं, और मसाला अच्छा बनाने की सबसे बेहतरीन टिप ये है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट उसके प्याज के ऊपर की जाए। सबसे अच्छी बेस तैयार तभी होगी जब आपका अनियन अच्छी तरीके से फ्राई होगा। इसी के साथ मैंने देगचे में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था ताकि मैं उनके अंदर चावल बॉयल कर सकूँ। यहाँ पे मैंने चावलों में डालने वाले सब मसाले इकट्ठे कर लिए थे। ये एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, हर घर में होती है, और इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें मसाले डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि सब छोटे मसाले जो होते हैं वो चावलों में शामिल नहीं होते, लेकिन उनका सारा जायका जो है वो चावलों में आ जाता है। इस तरह मैंने इसके अंदर ये मसाले शामिल कर दिए हैं और इसके साथ ये ऐसे ही मैं चावलों में डाल दूँगी। पानी उबल चुका है तो इसलिए अब मैंने पानी में ऐड कर दिए हैं सब मसाले स्ट्रेनर समेत, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी दालचीनी की स्टिक और तेज़पात, और अब साथ ही इस पानी में मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ मेरे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनका बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये फाइनली चॉप्ड हैं। यहाँ पे मेरे प्याज को परफेक्ट सा ब्राउन कलर आ चुका है तकरीबन, और अब मैं इसे इनमें से हाफ ऑफ अनियंस को बाहर निकाल लूँगी और हाफ ऑफ अनियन में अपनी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। इस पॉइंट पे जब अनियंस ने अपना कलर फुली चेंज कर लिया है तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अपना चिकन। और चिकन के लिए प्रो टिप ये है कि जब भी मैं किसी भी ग्रेवी में चिकन ऐड करती हूँ तो मैं चिकन को बिल्कुल भी नहीं हिलाती, उसको फ्यू सेकंड्स के लिए उसी पोजीशन में रहने देती हूँ ताकि चिकन अपने नए इन्वायरमेंट के साथ फेमिलियर हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, और उसके बाद मैं उस चिकन को हिलाती हूँ। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा चिकन इसके साथ पक चुका है तो अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और वो प्याज के अंदर पकना शुरू हो चुका है। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपने आलू, वो इसलिए कि मैंने बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बिरयानी बना के ट्राई की है। काफ़ी लोग इसे बॉईल करके भी डालते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही फ्राई में डालती हूँ, क्योंकि अगर आप इन्हें बॉईल करके डालेंगे तो बिरयानी का जायका आलू के अंदर नहीं आता। इसलिए मैं सबसे पहले अपने पोटैटोज़ को चिकन के साथ ही ऐड करती हूँ ताकि बिरयानी का जो भी जायका है वो इनके अंदर भी आ जाए। अब इसको अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, इसका कलर रेड हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। जब चिकन और आलू अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शान जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस पॉइंट पे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सॉल्ट और 1 पिंच इसमें मैंने डाल दिया है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बॉम्बे बिरयानी मसाला। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो प्यूरी। मैंने टोमेटो को क्रश कर लिया था, उसकी प्यूरी बना ली थी और अब इसमें मैं वो ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें काटने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला। शान ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है क्योंकि दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं आपको शान के स्पाइसेस हर जगह से मिल जाते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, शान के स्पाइसेस एवरीवेयर अवेलेबल हैं। आप इजीली ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इसके बाद सबसे एंड पे मैंने इसमें डाल दिया था योगर्ट। 1 कप ऑफ योगर्ट मैंने इसके अंदर फेंट के डाल दिया था और उसके साथ मैंने ग्रेवी को भूनना शुरू कर दिया था। इसको इस स्टेज पे भूनने के बाद इसके अंदर से बहुत अच्छा एरोमा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया था सॉल्ट वगैरह का लेवल चेक करने के लिए। और मीनवाइल हमारे चावलों के लिए पानी बॉयल हो चुका है और देखें चावलों में कलर भी आ चुका है क्योंकि मैंने स्ट्रेनर में सारे मसाले ऐड किए थे। इससे ये फ़ायदा होता है कि मुंह में कोई मसाला नहीं आता और आपके चावलों में अरोमा भी पूरा आ जाता है और जायका भी अच्छे तरीके से आ जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह से भूनीफाई कर लिया था मैंने अपने मसाले को और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर ग्रीन कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया, जो कि यहाँ पे बहुत ही कीमती चीज़ है। पाकिस्तान में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि आपको हर सब्ज़ी वाला ये धनिया दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक धनिया की कमी भी बहुत बड़ी कमी फ़ील हो सकती है। इसीलिए मुझे हमेशा इसको अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है। मैं धनिया को फ्रीज़ कर लेती हूँ, जो बच जाता है उसे काट के धो के फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट बाकी किसी हांडी में इसको इस्तेमाल कर सकूँ। ये है हमारी ग्रेवी की फ़ाइनल लुक। इसके बाद हमारे चावल हो चुके हैं बॉयल। 70% तक मैंने राइस को बॉयल किया है। उसके बाद मैंने अपने छानने में इनको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है और जैसे ही मैंने इसको छाना है इसके अंदर से मैंने स्ट्रेनर को बाहर निकाल लिया है। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप बिरयानी बनाते हैं तो आपके मुंह में कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं आते। चाहे आप पुलाव खाएं या चाहे बिरयानी खाएं, इन दोनों के लिए ये बहुत यूज़फुल चीज़ है और इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपने मसाले को थोड़ा सा और भून लिया था और उसके अंदर मैंने हाफ़ राइस ऐड कर दिए थे। हाफ़ राइस को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इस पूरे मसाले को हाफ़ राइस के साथ अच्छी तरह से घुमा फिरा के ऐड कर लिया था और उसके बाद मैंने उसके ऊपर बाकी लेफ़्ट ओवर राइस सारे डाल दिए थे और उसके ऊपर मैंने इसको बेहतर लुक देने के लिए इसके ऊपर डाल दिए थे लेमन। लेमन के ऊपर मैंने डाल दिए थे फ्राइड अनियन। उसके ऊपर मैंने अपना मैजिक इंग्रेडिएंट गरम मसाला डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था अपना कीमती धनिया और उसके ऊपर मैंने डाले थे थोड़ा सा फूड कलर और इसको मैंने लगा दिया था दम। इसके अंदर मैंने फाइनल इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया था खुश्क आलू बुखारा, जो कि मैं इसके मसाले में नहीं बल्कि सिर्फ इसके दम में ऐड करती हूँ और इसको मैंने लगा दिया था दम। खाना बनाने के बाद मेरे किचन की लुक थी कुछ यूँ। इसके बाद मैंने किचन को साफ़ करना शुरू किया था और अपने मैजिक हैंड्स का यूज़ करते हुए सारे बर्तन डिशवॉशर में डाल दिए थे और देगचों को मैंने अपने हाथ से धोने का फ़ैसला किया है। और आज मैंने इरादा किया है कि इस कढ़ाई को मैं इतना साफ़ करूँगी कि मैं शीशे में शक्ल नहीं देखूँगी, इस कढ़ाई में ही अपना चेहरा देखूँगी। वैसे ये जितना मैजिकल लग रहा है इतना मैजिकल ये था नहीं क्योंकि मुझे काफ़ी देर लगी थी किचन समेटने में और काफ़ी टाइम लग गया था। और अब मैंने लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी संभाल दी हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई के ऊपर अपना ज़ोर आजमाई करना शुरू कर दिया है और अपना इरादा कर लिया है कि आज या कढ़ाई नहीं तो या अजमैन। कढ़ाई को हर तरीके से मांजने के बाद, हर तरीके से खुरचने के बाद और हर स्पंज के साथ ट्राई करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया था, लेकिन आखिर में कढ़ाई ने यही जवाब दिया कि आज तू ही नहीं रहेगी क्योंकि कढ़ाई तो उसी तरह की थी। खैर मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। कोई 15-1 मिनट कढ़ाई को मांजने के बाद उसके अंदर से कोई अच्छी शक्ल निकल आई थी जिसके अंदर मैं देख के मुस्कुरा सकती थी। उसके बाद मैंने अपने किचन को कर लिया है डीप क्लीन। इसके लिए मैंने इसको स्प्रे कर लिया है, डिसइंफेक्ट कर लिया है और सारी सर्फेसिस के ऊपर सफाई कर ली है और बाकी सारे किचन के कैबिनेट्स और हर चीज़ को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। लेकिन कढ़ाई को भी मैंने साबुन लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद फाइनली मैंने इसको अच्छी तरह से मांझ के धो लिया था और इसमें मेरी शक्ल वाकई नज़र आ रही थी, मेहनत रंग ले आई थी। और उसके बाद मैंने अपने तवे को भी धो लिया था और अच्छे तरीके से अपने सिंक को साफ़ कर लिया था और अपने स्पंज को फिर से मैंने डिश वॉशर में डाल दिया था ताकि बाकी बर्तनों के साथ ये भी वॉश हो जाएँ और उसको मैंने ऑन कर दिया था। अभी मेरा किचन क्लीन हो चुका है और क्लीन होने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब घर में खाना बन जाता है और किचन साफ़ हो जाता है ना, तो जो खुशी फ़ील होती है ना औरत को, वो मुझे आज फ़ील हो रही थी, क्योंकि खाना बनाने से ज़्यादा बड़ा काम है किचन को साफ़ रखना और मेंटेन रखना। और अभी किचन हो चुका है मेंटेन और हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी। और अब मैं इसे कर रही हूँ डिश आउट। ये बिरयानी बनाई थी मैंने इमरान खान से इंस्पायर होके, क्योंकि मुर्शद ने कह दिया था कि बिरयानी में आलू होना लाजमी है, इसलिए हमने इस बिरयानी में आलू डालना लाजमी करार दे दिया है। तो आज का खाना इंस्पायर्ड बाय इमरान खान था और आज का खाना डेडिकेटेड है मेरे लीडर इमरान खान के लिए। और आलू वाली और चिकन वाली मैंने बिरयानी बनाई है, ये बहुत मज़े की बनी है। वैसे तो मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मुर्शद ने कह दिया था तो फिर मेहनत करना तो वाजिब बनता था ना। वैसे अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन वो भूख ही क्या हो जो इस बिरयानी को देख के ना लगे। ये इतनी अच्छी बनी थी कि मुझे इसे देखते ही प्यार हो गया था और साथ ही मुझे भूख लग गई थी। और इसके बाद तो आप सब जानते ही हैं, मैंने अपने देसी होने का सबूत दिया और सबसे पहले मैंने अपना खाना खाया। उसके बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो फिर मैंने बना ली थी अपने लिए चाय। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।